हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो हमारी जो है फिजिकल फार्मेटेक सेकंड चल रही थी और यहां पर हम जो है यूनिट थर्ड पर अपने आप पहुंच गए थे। और ये जो हमारी यूनिट थर्ड है ना, ये बेसिकली वैसे देखा था बहुत ज़्यादा लेंदी है। हमने इस यूनिट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला हमारा था सस्पेंशन वाला पार्ट, दूसरा हमारा था इमल्सन वाला पार्ट। तो जो हमारा पार्ट वन है यूनिट थर्ड का, उसमें हम जो है सस्पेंशन को हमने कम्प्लीटली कवर किया था। तो उस वीडियो की जो लिंक होगी वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी हो। तो अब हम इसका वीडियो का जो है पार्ट टू लेकर आए हैं यहाँ पर। और आज की वीडियो में हम जितना भी हमारा इमल्सन के बारे में है, वैसे तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो आज हम सारा कुछ अपना जो है इमल्सन के बारे में आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम आज की वीडियो में क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा इमल्सन के बारे में, क्या है, कैसे है। फिर हम पढ़ेंगे कुछ इमल्सन की थ्योरीज के बारे में। देन हम पढ़ेंगे माइक्रो इमल्सन एंड मल्टीपल इमल्सन, ये दो वर्ड आपके लिए नए आए होंगे इमल्सन के बारे में। देन हम इसकी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इसकी समझेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्सन, कैसे इसका बचाव कर सकते हैं। देन हमारा यहाँ पर आएगा रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सन। और फिर हम लास्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे इमल्सन फॉर्मुलेशन बाई HLB मेथड। तो अगर मैं इसकी इंडिविजुअल वीडियो बनाता पर टॉपिक वाइज, तो आप ये समझिए कि कम से कम इस यूनिट में लगभग 10 से 11 वीडियोज़ हमारी बन जाती जैसा हमारी यूनिट फर्स्ट में बनी थी। तो यहाँ पर इसी चीज़ को थोड़ा बचाने के लिए टाइम भी थोड़ा हमारा कम लगेगा। मैं इसको मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, आज हम यहां से लेकर यहां तक सारा कुछ एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो नॉर्मल सी बात है भाई, वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, लेकिन इसका आपको प्रॉफिट ये मिलेगा कि जैसे आपको एक ही वीडियो में सारा कुछ मिल जाएगा, तो आप चाहें तो उस वीडियो को सेव कर सकते हैं, या आप अपने मतलब वॉइस लेटर में सेव कर सकते हैं। तो आप उसी वीडियो में सारा कुछ बाद में देख सकते हैं, आपको इधर उधर मतलब भटकना नहीं पड़ेगा, ढूंढनी नहीं पड़ेगी, आपको वीडियो मिलती नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो बस ये सारा कुछ आपका कवर हो जाएगा। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही होगी, रीज़न ये है कि अभी जैसे रात का टाइम है, अब सुबह बोल लो चाहे 2 बजने वाले हैं, 5-10 मिनट कम रह गए हैं, तो सभी लोग घर पे सो रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूँ। आप लोग अपनी वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज़ कर लेना, मतलब मोबाइल वाली, अगर आपको कम थोड़ा लगता है तो। ठीक है, चलिए तो फिर हम यहाँ समझते हैं। तो इमल्सन से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो जानते हैं, कोर्स डिस्पर्जन एक्चुअल में होता क्या है, हम पैसे देख चुके थे। तो अगर डिस्पर्जन की बात करें तो सिंपल हमारा क्या था कि यहाँ पर जो हमारे डिस्पर्स फेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे डिस्पर्स हो जाते हैं हमारे डिस्पर्जन मीडियम में। यानी कि अगर नॉर्मल बोले जाए तो सॉल्यूट हमारा सॉल्वेंट में मिल रहा है, यहाँ पर हमारा सॉल्यूट हमारा क्या है डिस्पर्स फेस है, और सॉल्वेंट हमारा क्या है डिस्पर्जन मीडियम है। अब यहाँ पर कोर्स और कोलाइडल, इन दोनों में डिफरेंस क्या था कि हैं दोनों डिस्पर्जन, लेकिन कोलाइडल में क्या था कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं, यानी कि जैसे मान लो ये हमारा सॉल्यूशन है, तो इसके अंदर ये हमारे जो पार्टिकल्स हैं इनका जो कुछ साइज होता है, तो इनका अगर साइज 1 माइक्रोमीटर से कम है, यानी कि 1000 नैनोमीटर से अगर कम आता है, तो ये हमारे कोलाइडल डिस्पर्जन कहलाते हैं। और अगर ये 1 माइक्रोमीटर से ऊपर हो जाते हैं यहाँ पर, तो ये चीज़ हमारी कहलाती है कोर्स डिस्पर्जन। तो हमारी सिंपल इतनी सी यहाँ पर कोर्स डिस्पर्जन की डेफिनेशन थी। ठीक है, समझ गए होंगे। अब ये हमारा फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड था, पहला हमारा था सस्पेंशन वाला एरिया, दूसरा हमारा था इमल्सन वाला। सस्पेंशन को हम ऑलरेडी कवर कर ही चुके हैं, आज हम यहां पर पढ़ने वाले हैं इमल्सन के बारे में सारा कुछ। चलिए तो फिर इमल्सन को समझते हैं। तो अगर इमल्सन की मैं बात करूं कि ये हमारा एक टाइप होता है कोर्स डिस्पर्जन का, तो इससे हमको 2-4 बातें सिंपल समझ आ जाती हैं कि अगर ये इसका टाइप है तो ये भी हमारा क्या होगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, और ये भी हमारा क्या होगा बाईफेसिक। यानी कि हम सिंपल कह सकते हैं कि इमल्सन में भी हमारी कोई दो चीज़ें मतलब इसमें कंबाइंड कर रही हैं। अब दो चीज़ें क्या होती हैं, इसको आप सिंपल फर्क समझ लो, सस्पेंशन हमारा था और एक हमारा इमल्सन था। सस्पेंशन में भी हमारी दो चीज़ें थी, इमल्सन में भी हमारी दो चीज़ें थी। तो यहाँ पर एक हमारा होता है डिस्पर्जन मीडियम, यानी कि जिसके अंदर हमारा सारा कुछ मिलता है, यानी कि हम बोल सकते हैं सॉल्वेंट। तो ये जो हमारा सॉल्वेंट है, ये दोनों में क्या है हमारा लिक्विड है। फ़र्क कहाँ पे आता है, जो हमारा सस्पेंशन है वहाँ पे जो हमारा सॉल्यूट पार्टिकल है, यानी कि जो हमारे डिस्पर्स फेस है, वो हमारे क्या होते हैं सॉलिड होते हैं। और जो हमारा इमल्सन है, यहाँ पर हमारी दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं लिक्विड होती हैं। आप लोग पहले ही जानते हैं इमल्सन हमारा क्या होता है, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। यानी कि दोनों ही केस में हमारा जो डिस्पर्स फेस है वो हमारा क्या है लिक्विड ही रहेगा ऑलवेज। तो बस इमल्सन में इतना आपको मेन समझाना कि यहाँ पर हमारा क्या होता है डिस्पर्स फेस एक लिक्विड होता है। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हो कैसे कर सकते हैं, इट इज़ अ बाईफेसिक सिस्टम ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड। यहाँ पर हम 2 इमिसिबल लिक्विडों को लेते हैं, उसका एक मतलब बाईफेसिक सिस्टम होता है, 2 फेस वाले इसमें चीज़ें आ गई। अब यहाँ पर होता क्या है कि डिस्पर्स फेस हमारा एक डिस्पर्स मीडियम में क्या हो जाता है डिस्पर्स हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो पहला फेस है उसको हम डिस्पर्स फेस बोलेंगे, वो भी हमारा लिक्विड है, और जो दूसरा फेस है उसको हम डिस्पर्जन मीडियम बोलेंगे, वो भी हमारा क्या है एक
लिक्विड है, ठीक है, इतना आप समझ लो। बाकी हम इसके जब टाइप्स देखेंगे तो आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी आप सिंपल इतना समझो, डायग्राम में मैंने समझा दिया, देखो मैंने हमारे ये दोनों के दोनों लिक्विड हैं, जो ब्लू ब्लू है वो मेरा वाटर है, जो ब्लैक में ले लिया वो मैंने ऑयल ले लिया, और ये हमारा एक इमल्सन है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे हमारी कुछ बैनिशिंग क्रीम आती हैं, जेल आता है हमारा, मिल्क आता है, लोशन आता है, ऑइंटमेंट आती है, ये सारी चीज़ें हमारी जो है इमल्सन के एग्जाम्पल हैं। अब हम इसकी कुछ क्लासिफिकेशन समझते हैं कि हम इमल्सन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब तक आप लोगों ने दो तरह का आपने देखा होगा, फर्स्ट सेम में भी था हमारा ये वाला ऑयल एंड वाटर एंड वाटर एंड ऑयल, लेकिन अब यहाँ दो नई चीज़ें आ रही हैं, एक हमारा है मल्टीपल इमल्सन और दूसरा हमारा आता है माइक्रो इमल्सन। तो इनके ऊपर कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट नोट भी आ जाता है, तो आज हम उसी के बेस पे इन चारों चीज़ों को समझते हैं। तो इसको कुछ हम इस तरह समझते हैं, लेट करो कि हम इमल्सन ही बना रहे हैं। अब इमल्सन बनाने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए, हम जान गए, एक हमें क्या चाहिए ऑयल चाहिए और एक हमें क्या चाहिए वाटर चाहिए, यही तो दोनों चाहिए। अब हम एक चीज़ और जानते हैं कि इनमें से कोई एक हमारा होगा डिस्पर्जन मीडियम और एक हमारा होगा डिस्पर्स फेस। अब डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा बीकर है, तो इसमें एक हमारा डिस्पर्जन मीडियम होगा जो हमारा कुछ इस तरह से फैला हुआ रहता है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में हम बोल सकते हैं, और एक हमारा आएगा डिस्पर्जन फेस, तो ये हमारा क्या होगा, इसको हम बाद में कुछ इस तरह डालेंगे और ये हमारा पूरे में मिलके और बाद में इस तरह से घुल मिल जाएगा, तो ये हमारा हो गया डिस्पर्स फेस। सिंपल सी बात है, अब हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, एक ऑयल है एक वाटर है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि पहली बार में हम पानी ले लेंगे और ऊपर से हम ऑयल डाल देंगे, दूसरी बार में हम क्या कर सकते हैं, दूसरी बार में हम ऑयल ले लेंगे और ऊपर से वाटर डाल देंगे। तो अगर हम इस बेस पे देखें तो हमारे ये दो भागों में डिवाइड हो रहा है। पहला हमारा है ऑयल इन वाटर, यानी कि पहले हमने क्या लिया, पानी को ले लिया डिस्पर्जन मीडियम और उसमें हमने ऑयल को मिला दिया। दूसरा हमारा क्या हो सकता है, वाटर इन ऑयल, यानी कि इसमें दूसरे केस में हमने क्या किया, ऑयल को हमने ले लिया डिस्पर्जन मीडियम और ऊपर से हमने पानी की इसमें मिला दी, ड्रॉपलेट्स मिला दी, पानी हमने मिला दिया। तो ये इसी बेस पे हमारा दो पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड हो गया, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। और इसको हम डिफाइन भी इसी तरह कर सकते हैं कि ऑयल इन वाटर जब हम मिला रहे हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिस्पर्स फेस है, यानी कि जो कम वाला हमारा पार्ट है वो हमारा ऑयल है, और इसको हमने मिलाया किसमें, जो हमारा कंटिन्यूस या फिर डिस्पर्जन मीडियम है वो हमारा क्या है, वाटर है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे हमारे होते हैं मिल्क होते हैं, लोशन होते हैं, लिलीमेंट्स होते हैं, और इन सब की पहचान क्या होती है कि ये हमारे एक्वस इमल्सन होते हैं, ठीक है। एक्वस आपको वर्ड याद रखना है किस बेस पे, कि हमारा ये दूसरा क्या है डब्लू है, डब्लू फॉर वाटर है, और वाटर इधर आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्वस फीजम। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ये एक्चुअल में पूरा मीडियम है क्या है, हमारा यहाँ पर वाटर है और इस वाटर में हमने ऑयल डाला। दूसरा हमारा यहाँ पर आता है, ये हमारा है वाटर इन ऑयल। अब इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारा जो डिस्पर्स फेस है वो हमारा एक्चुअल में वाटर है और जो हमारा कंटिन्यूस फेस है वो हमारा ऑयल है, यानी कि इस कंडीशन में जो ये हमारी चीज़ है ना, ये पूरी हमारी क्या है ऑयल है, और इसमें जो ऊपर से हम डाल रहे हैं वो हमारा क्या है पानी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे जो पहला मीडियम है वो हमारा क्या हो गया ऑयल हो गया, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा ऑयली मीडियम का हो जाएगा। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब अगर आपसे कभी पहचान के लिए आ जाते हैं कि भाई ये क्या है, ऑयल इन वाटर क्या होते हैं और वाटर इन ऑयल क्या होते हैं, तो अगर आपको याद हो कि इसमें हमारा क्या है वाटर एंड में, तो ये हमारा एक्वस मीडियम का हो गया। सिंपल बात है, अब जो हमारे पानी के नेचर के होंगे उसको अगर आप यहाँ स्किन वगैरह पे कहीं पे लगाओगे या कहीं अगर यहाँ पर चिपक जाता है तो वो थोड़ा सा मतलब ऑयली टाइप ना लगे, पानी की तरह होगा और वो आपका इजीली तरीके से साफ हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मानो आपने एक ग्लास लिया और उस ग्लास में आपने क्या किया, दूध यहाँ पर अपना इतना पोर कर लिया, भर लिया। अब अपने दूध पीने के बाद जब आप उस गिलास को धोओगे तो वो एकदम क्लियर साफ हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा जो हमारा मिल्क है वो क्या है, हमारा एक्वस नेचर का है, पानी वाले नेचर का है, और पानी नेचर का मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑयल इन वाटर, यानी कि वाटर हमारा बाद में आ रहा है। दूसरा हमारा केस आप यहाँ ले लो कि कोई घी का बर्तन आपने देखा होगा, घी वगैरह वाटर वगैरह का भी यूज़ करते हो, तो उस बर्तन में अगर आपने रखा तो वहाँ पर एक अलग सी मतलब लेयर सी जम जाती है, फिर आप उसको अगर नॉर्मल पानी से धोगे तो वो साफ होगी नहीं, आपको वहाँ पर साबुन का यूज़ करना पड़ेगा, सर्फेक्टेंट जो साबुन होता है उसका आपको यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ हमारी साफ होगी। यानी कि हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा एक्चुअल में ऑयली नेचर का था, इसलिए ये हमारा पानी से साफ नहीं हुआ। तो यहीं आपको देखेंगे तो वाटर इन ऑयल में आपको एग्जाम्पल क्या मिलता है यहाँ पर, जैसे वाटर हो गया, कोल्ड क्रीम्स हो गई, और ये हमारे ग्रीसी नेचर के होते हैं, तो ये हमारे ईजी तरीके से क्या होते हैं, साफ नहीं होते हैं, और हमारी बॉडी से अगर हम यहाँ पर कोई भी ऑयली चीज़ लगा लेते हैं तो वो एकदम साफ नहीं होती है। तो यही हमारा रीज़न होता है वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर का। तीसरा हमारा यहाँ पर आता है मल्टीपल इमल्सन। अब अगर आपसे मैं ये कहूँ कि मान लो आपने एक इमल्सन बनाया और आपने क्या किया, ये आपकी मान लो ऑयल हो गया और ये हमारा ऊपर से इसको कवर करेगा, ये हमारा वाटर हो गया, तो अगर हम इसको बोलें तो ये आपका क्या हो गया ऑयल इन वाटर, ये आपका एक वो हो गया, सिंपल हम बोल सकते हैं
ये आपका सिंपल एक इमल्सन हो गया ऑयल इन वाटर वाला। अब मैं आपसे कहूँगी इसको फर्दर आपको एक और इमल्सन में, मतलब एक और फेस में डालना है, तो आप क्या कर सकते हो, पूरे के पूरे को उठा के आप क्या कर सकते हो, अब ये ऑयल इन वाटर है तो भाई पानी का पहले से मीडियम है और पानी में आप डाल नहीं सकते, तो फिर आप क्या करोगे, इस पूरे को आप उठा के ऑयल में डाल दोगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक नया इमल्सन बन जाएगा। यानी कि मैं कहूँ कि ये हमारे दो थे, अब मैंने इसको उठा के फर्दर क्या किया, एक ऑयल वाली चीज़ में डाल दिया, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अब हमारे यहाँ पर तीन फेस हो गए, पहला हमारा ऑयल, फिर हमारे ये वाटर, उसके बाद हमने इसको अगेन एक ऑयल वाले फेस में डाल दिया, तो यहाँ पर हमारे क्या हो गए, तीन फेस हो गए। तो इसी तरह के जो हमारे इमल्सन होते हैं यहाँ पर हमारे दो से ज़्यादा फेस जनरेट हो जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर मल्टीपल इमल्सन बोलते हैं। तो आप यहाँ समझ गए होंगे। सेकेंड केस यहाँ पर आप ले लो, आपका मानो एक वाटर की यहाँ पर ड्रॉपलेट है और वाटर इन ऑयल, ये ऑयल के अंदर आपका क्या है, वाटर डिप है, तो आप इसको क्या बोलोगे, वाटर इन ऑयल, ये आपका एक इमल्सन है। अब कहें कि आपको फर्दर एक और फेस में जनरेट करो, तो भाई बाहर का तो ऑयल है, अब अगर इसको और ऑयल में डालोगे, ये वाली भी ऑयल की होगी तो ऑयल ही ऑयल रहेगा ना, तो आपको इसको एक अलग लेयर में डालते हो, तो मान लो आपने इसको फिर से क्या किया, वाटर वाली लेयर में डाल दिया, तब आपका क्या हो जाएगा, वाटर इन ऑयल इन वाटर, तो ये आपका एक नया मतलब इमल्सन जनरेट हो रहा है। यहाँ पर आपकी तीन चीज़ें हो रही हैं, पहला हमारा है ऑयल इन वाटर इन ऑयल, और ये हमारा हो जाएगा वाटर इन ऑयल इन वाटर। तो ये जो इस तरह के हमारे इमल्सन होते हैं यहाँ पर हमारी दो से ज़्यादा फेस होते हैं, उनको हम यहाँ पर बोलते हैं मल्टीपल इमल्सन बोलते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए बना रखे हैं, मानो ये हमारा है, ये वाला हमारा ऑयल था ये वाला, और ये हमारा क्या था, वाटर था, तो ये हमारा कुछ इस तरह बन रहा था ऑयल इन वाटर। अब इसको हमने अगेन एक और फेस में डाल दिया, डिप कर दिया ऑयल वाले में, तो हमारा कुछ इस तरह का बन जाएगा, और ये हमारे बेसिकली दो तरह के होते हैं जो मैंने आपको बता दिया, ऑयल इन वाटर इन ऑयल, दूसरा हमारा होता है वाटर इन ऑयल। और इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो नॉर्मल हमारा जो इमल्सन होता है उसको तो हम डिफाइन करेंगे ही, इसको हम कैसे कर सकते हैं कि इन विच ऑयल इन वाटर इमल्सन, यानी कि एक हमारा पहले से जनरेट हुआ जो इमल्सन था उसको हम अगेन दूसरे उसके अपोजिट फेस में फिर से इमर्ज कर दें, तो ये हमारा एक तीसरा इमल्सन, तीसरा फेस बन जाएगा, और ये हमारा एक नया इमल्सन जनरेट होगा जिसको हम मल्टीपल इमल्सन बोलेंगे। तो ये इसी तरह हमारे दोनों होते हैं यहाँ आपको दिख रहे होंगे, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे मल्टीपल इमल्सन क्या होता है। अब हम यहाँ पर समझते हैं माइक्रो इमल्सन क्या होता है, पहले कुछ बातें और जान लेते हैं, जो हमारा मल्टीपल इमल्सन था ये एक्चुअल में यूज़ क्यों किया जाता है। तो कई बार क्या होता है, ये हमारी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक और हमारा फेस हो गया, तो जो हमारा ये अंदर वाला ट्रक था इसकी तो एबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये धीरे धीरे रिलीज होगा, और कोई जितना ज़्यादा धीरे रिलीज होगा उसकी बायोलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि और ज़्यादा वो रुकेगा वहाँ पर, और यहाँ पर प्रोलोंग द रिलीज ऑफ ट्रक, वही मैंने बताया ट्रक को ज़्यादा देर बाद ये क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो ये हमारे कुछ टर्म्स यहाँ पर फ़ायदा इससे होता है। अब हमारे यहाँ आता है माइक्रो इमल्सन, तो अगर हमको एक बात याद हो कि जैसे हमारा सस्पेंशन था, तो सस्पेंशन में हमारी ये कुछ इस तरह बन रही थी, और ये हमारी जो ड्रॉपलेट थी, बाकी हमारा ये था डिस्पर्शन मीडियम, तो ये जो हमारे पार्टिकल थे इनका साइज कितना था, 1 माइक्रोन था, और उससे क्या था हमारा, बड़ा ही था, छोटा नहीं था, ये हमारा इनका साइज था, सिंपल बात है। तो ये हमारे कहलाते थे कोर्स सस्पेंशन। अब अगर यही मैं बोलूँ कि इनका साइज अगर हम इससे कम कर देते 1 माइक्रोन से, तो ये वाले जो हमारे सस्पेंशन होते ये हमारे क्या कहलाते, कोलोइडल सस्पेंशन। अब उसी तरह हमारा यहाँ सेम हिसाब होता है इमल्सन में, अगर ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं इनका जो साइज है वो 1 माइक्रोन से ऊपर है, तब तो ये हमारे सिंपल हैं कोर्स इमल्सन, लेकिन अगर इनका साइज हम इन 1 माइक्रोन से कम कर देते हैं तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, माइक्रो इमल्सन। आई होप आप लोग सिंपली इसको समझ गए होंगे, यानी कि सिंपल मतलब हमारा ये है कि जो हमारा स्टैंडर्ड साइज है वो बना 1 माइक्रोमीटर है, किसके लिए, कोर्स डिस्पर्जन के लिए। तो अगर हम इससे यहाँ पर कम कर देते हैं इमल्सन के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, मान लो यहाँ पर हम दो चीज़ें मिला रहे थे, ये हमने यहाँ ऑयल एंड वाटर मिला रहे थे, ये दोनों चीज़ें मिला रहे हैं, अब मान लो यहाँ पर जो हमने मान लो ऑयल एंड वाटर में हम ऑयल डालते वाटर में, तो जो हमारा ऑयल है अगर इसका साइज हमारा 1 माइक्रोन से कम हो गया, तो ये जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा, ये वाला जो हमारा इमल्सन बनेगा, ये हमारा माइक्रो इमल्सन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे ये पार्टिकल्स हैं ये हमारे क्या हो गए, 1 माइक्रोमीटर से भी क्या हो गए, छोटे हो गए। तो बस यही हमारा इमल्सन कहलाता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा ये हमारा डिस्पर्जन मीडियम है लिक्विड, ये हमारा डिस्पर्स फेस है, और इस डिस्पर्स फेस का जो साइज़ है वो हमारा 1 माइक्रोन से भी कम है। 1 माइक्रोन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको 1 माइक्रोमीटर भी बोल सकते हैं। तो बस इतना सिंपल था फंडा, जो हमारे ऐसे इमल्सन होते हैं ये हमारे माइक्रो इमल्सन कहलाते हैं, और इनको हम जो है ज़्यादा स्टेबल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके जो पार्टिकल होते हैं वो हमारे छोटे छोटे होते हैं, तो भाई ज़्यादा देर तक ये क्या रहते हैं, डिस्पर्स रहते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह हो गया, ठीक है फ्रेंड। अब हमारा एक टर्म आता है थ्योरी ऑफ इमल्सन, तो इससे पहले जो हमारी थ्योरीज हैं, इससे पहले मैं आपको स्टेबिलिटी वाला कंसेप्ट बताना चाहूँगा, क्योंकि उसके बाद ये चीज़ हमारी आती है।
तो स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन, इसमें अगर आपसे ये वर्ड मैं पूछूं कि इमल्सन हमारा स्टेबल कब होगा, या मैं आपसे सिंपल पूछूं कोई भी जो हमारा व्यक्ति है या कोई भी पर्सन है वो अच्छा या गुड या स्टेबल कब होगा, तो उसका मतलब हमारा क्या निकलेगा कि अगर वो सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करता है तो वो बंदा हमारा क्या है, स्टेबल और आइडियल है। अगर एग्जाम्पल के लिए ले लो, आप एक स्टूडेंट हो और आपसे टीचर लोग और आपके पेरेंट्स क्या उम्मीद रखते हैं कि आप लोग अच्छी पढ़ाई लिखाई करो और अच्छा आप रुपए वगैरह कमाओ और अच्छे से मतलब नाम कर लो, एक फेमस कर लो और आप कोई फ्यूचर आपका सिक्योर हो जाए, आपको भटकना ना पड़े इधर उधर, तो यही सब कुछ चाहते हैं होते हैं आपके पेरेंट्स। अगर आप इन सब में सफल हो रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो, तब तो हाँ आप क्या हो गए, स्टेबल हो जाओगे आप वो करने के बाद कि हाँ अब आप काबिल हो गए उस काबिल। लेकिन अगर मान लो जॉब नहीं लगती या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाती है तो आप क्या हो जाओगे, फिर अनस्टेबल हो जाओगे। तो बस यही चीज़ यहाँ पर आती है इमल्सन की, कि जो इमल्सन के कुछ रूल्स हैं, जो इमल्सन से लोग चाहते हैं कि इमल्सन हमारा ऐसा हो, अगर वो इमल्सन वैसा रहता है तब तो वो हमारा स्टेबल है, और अगर उससे वो बदल जाता है, कुछ भी चीज़ उसमें बिगड़ती है, तो वो हमारा अनस्टेबल होता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब हमारा इमल्सन स्टेबल कब होगा, तो इसका सिंपल मतलब है कि यहाँ पर हमारे दो फेस हैं, पहला फेस हमारा दूसरे फेस में मिल रहा है, यानी कि पहला हमारा डिस्पर्स फेस डिस्पर्जन मीडियम में मिल रहा है। तो जो हमारा डिस्पर्जन फेस डिस्पर्स मीडियम में जा रहा है वो हमारा पूरे में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ये इसका मेन पर्पज़ होता है। ऐसा नहीं है कि मान लो एक कोने में हमारा सारा भर गया इकट्ठा, बाकी इधर केवल लिक्विड लिक्विड है, पूरे के पूरे के पूरे सॉलिड लिक्विड जो हमारा है उसमें पूरे में ये अच्छे से क्या होने चाहिए, डिस्पर्स होने चाहिए, एक दूसरे में घुले होने चाहिए। जैसे आपको यहाँ दिख रहे होंगे टोटल के टोटल हमारे यहाँ जितने भी हमारे ऑयल्स हैं और वाटर हैं, ये आपस में क्या पूरे में अच्छे से डिसॉल्व हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, स्टेबल इमल्सन है। तो ये तो हम समझ गए भाई स्टेबिलिटी। अब मेन पर्पस में इसमें पढ़ना क्या है, तो कई बार क्या होता है कि ड्यूरिंग स्टोरेज जब हम इसको स्टोर करके रखते हैं या फिर बनाते ही टाइम क्या हो जाती है, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम आती हैं जो इस कंपाउंड को, इस इमल्सन को इनस्टेबल कर देते हैं, यानी कि जो इसका मेन काम है उसको ख़राब कर देते हैं। क्या क्या चीज़ें हमारी इसमें, जैसे हमारी पहली क्रीमिंग आती है, फिर हमारा कोएलसेंस आती है, ब्रेकिंग आती है, फ्लॉकुलेशन आती है, फेस इन्वर्जन आती है, और कुछ हमारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं। तो एक एक करके हम इन सभी चीज़ों को समझेंगे कि क्या रीज़न है कि हमारा कोई भी इमल्सन है वो हमारा ख़राब हो जाता है। तो हमारा पहला वर्ड इसमें आता है क्रीमिंग। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये आप चीज़ें, ये चीज़ आपने ना देखी होगी, इसके एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि कभी मान लो आपका एक गिलास है कोई भी, और उस गिलास में आपका ये पानी भरा हुआ है पूरा का पूरा, अब वहाँ धोखे से या कैसे भी आपके कुछ तेल की बूंदें, ऑयल की बूंदें आपके वहाँ पे घुस जाएंगी, तो आप देखोगे वो ऑयल की बूंदें हमारे ऊपर सरफेस पे क्या होती हैं, फ्लोट करने लगती हैं, तैरने लगती हैं, घूमने लगेंगी। इसके पीछे रीज़न क्या होता है, इसके पीछे रीज़न हमारा क्या होता है, यही हमारे होते हैं क्रीमिंग वगैरह। इसमें क्या हो गया कि जैसे हमारा ऑयल की कुछ बूंदें गिरी, तो हमको एक बात पता है कि जो हमारी डेंसिटी होती है ना ऑयल और वाटर में, ये शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा कि यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो ऑयल है ना इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। रीज़न एक तो ये कम मात्रा में, ऊपर आपने एक चीज़ देखी होगी कभी भी आप पानी के ऊपर अगर ऑयल डालोगे तो वो क्या होगा, पूरी तरह से फ्लोट होगा, पानी में वो मिलेगा नहीं, ऊपर ऊपर तैरता रहता है, तेल ऊपर तैरता है ना, तो बस यही रीज़न है यहाँ पर कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाटर ऑयल में डालेंगे तो ऑयल की थोड़ी डेंसिटी कम है, इस वजह से इसमें क्या होता है कि हमारे पार्टिकल जो है ऊपर की तरफ हमारे इकट्ठे होने लगते हैं। और इसी चीज़ को, यानी कि जब हमारे पार्टिकल क्या हुए ऊपर ऊपर इकट्ठा होने लग गए, यानी कि सिंपल आप ये समझो कि एक हमारा अच्छा खासा इमल्सन था लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से वो इनस्टेबल हो गया, और वहाँ पर क्या हो गया कि जो हमारे पार्टिकल्स थे, तो उसमें जो ऑयल एंड वाटर वाला हमारा सीन है, यहाँ पर ऑयल जब वाटर में मिल रहा है उस कंडीशन में, तो हमारे जो ऑयल के पार्टिकल्स हैं इनकी लो डेंसिटी है, क्योंकि एक तो अमाउंट में कम है और वैसे भी हमारी डेंसिटी कम होती है इसलिए हमारे ऊपर रहते हैं। तो लो डेंसिटी होने की वजह से क्या होगा कि ये हमारे पार्टिकल ऊपर वाले सरफेस पे पूरे इस तरह से इकट्ठे हो जाएंगे। ये चीज़ आपने ऑयल, कभी कभी आपने दूध वगैरह में भी देखी होगी, दूध में आप कभी कभी थोड़ा सा ऑयली नेचर आ जाता है तो ऊपर ऊपर भी वहाँ पर थोड़े थोड़े आपको चमक सी दिखेगी, तो वो थोड़ा ऑयली नेचर ऊपर आ जाता है। तो ये सब सीन हमारे होते हैं जिसको हम अपवर्ड क्रीमिंग बोलते हैं, यानी कि थोड़ा क्रीम क्रीम से हमारी क्या होगी ऊपर आ गई। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल जब गांव वगैरह में आपने देखा होगा कि जब घी वगैरह बनाते हैं तो उस टाइम पे फेर फेर के क्या करते हैं, एक नैनी वगैरह बोलते हैं कहीं की जगह पे, वो थोड़ा निकाल देते हैं, इससे घी बनता है, उससे एक्चुअल में उसी से घी बनता है। तो वो भी हमारा इसी पे डिपेंड होता है कि वहाँ पर हम क्रीमिंग इस तरह उसको कर करके, उस मिल्क को इस तरह कर करके ऐसे कर देते हैं कि उसका जो ऊपर ऊपर का पार्ट है मतलब क्रीमिंग हो जाती है, उसमें ब्रेकिंग हो जाती है, और हमारा जो ऊपर का क्रीम वाला पार्ट है वो पूरा ऊपर आ जाता है, और उसी को निकाल के बाद में उसी से हमारा जो है घी बनाया जाता है। तो ये हमारा सिंपल फंडा यहाँ पर अपवर्ड क्रीमिंग वाला आता है।
दूसरा हमारा यहाँ पर टर्म आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारी चीज़ आ रही है वाटर इन ऑयल। अब वाटर इन ऑयल होने की वजह से क्या होगा कि अब यहाँ पर वैसे तो वाटर का हमारा डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन अमाउंट हमारी ऑयल की ज़्यादा है, क्योंकि भाई ऑयल हमारा यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर हम डिस्पर्जन मीडियम हमारा क्या है, ऑयल है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर हमारे जो ऑयल के पार्टिकल्स हैं वो हमारे नीचे ही सेटल डाउन हो जाते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह हमारे पार्टिकल यहाँ नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं हमारी। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर कहलाती है डाउनवर्ड क्रीमिंग, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या होगा ऑयल के पार्टिकल ऊपर आ गए तो अपवर्ड क्रीमिंग, और यहाँ हमारा क्या होगा ऑयल के पार्टिकल नीचे आ गए तो डाउनवर्ड क्रीमिंग। रीज़न, ये हमारा ऑयल इन वाटर था तो यहाँ पर हमारे ऑयल हमारा जो कम था तो ऊपर आ गया, ये हमारा वाटर इन ऑयल था तो यहाँ ऑयल हमारा ज़्यादा था, हमारा ऑयल ऑयल पार्टिकल्स नीचे आ गए। तो ये सिंपल है बहुत ज़्यादा, आप छोटा सा लॉजिक भी याद रखेंगे तब भी आपको ये चीज़ जो है याद रहने वाली है। तो ये पहला हमारा क्रीमिंग आप समझ गए। तो ये हमारी प्रॉब्लम जब हो जाती है तो हमारा इमल्सन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या चाहिए कि हमारी ये चीज़ आपस में अच्छे से मिक्स रहें। दूसरा हमारे यहाँ पर आता है कोएलेसेंस। तो इसमें सिंपल क्या होता है कि आपको एक चीज़ पता होगी, जो ऑयल ऑयल के पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े चिपचिपे होते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं अच्छे से। तो बस यहाँ पर ये रीज़न होता है कि मान लो हमारा इमल्सन एकदम बन के और रखा हुआ है, अब क्या हो जाएगा कि इस इमल्सन के जो छोटे छोटे जो ऑयल के पार्टिकल्स हैं ये थोड़े चिपचिपे हो गए आपस में चिपक के, और कुछ इस तरह के हमारे एग्रीगेट होकर एक पार्टिकल्स जनरेट कर लेते हैं, और यही हमारी चीज़ कहलाती है यहाँ पर कोएलेसेंस। यानी कि यहाँ पर हमारे क्या होगा कि ऑयल के पार्टिकल्स आपस में जुड़ गए, और जब ऐसा हो जाएगा कि ऑयल ऑयल हमारा अलग हो जाएगा और डिस्पर्जन जो मीडियम यानी कि वाटर वाटर अलग हो जाएगा, तो भाई ये ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा रीज़न है यहाँ पर कोएलेसेंस वाला। तीसरा हमारा यहाँ पर आता है ब्रेकिंग। अब इसको क्रैकिंग वर्ड से भी यूज़ करते हैं। इसमें क्या होगा, मान लो जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, यानी कि जब हम इमल्सन और इमल्सन बना रहे थे वाटर इन ऑयल ऑयल इन वाटर वाला, तो उस टाइम पे कोई हम ही से कोई मिस्टेक हो गई या हमने कोई इम्प्रॉपर चीज़ें ले ली, मतलब हमने बराबर बराबर अमाउंट नहीं लिया, इन सब के चक्कर में क्या हो जाता है कि वो इमल्सन हमारा परफेक्ट नहीं बनता, और उसकी वजह से कुछ टाइम बाद वो हमारे, जैसे मान लो ये हमारा इमल्सन है, इसमें वाटर ये हमारा ब्लू और ऑयल हमारा नीचे ब्लैक और दोनों अच्छे से मिक्स है, किसी रीज़न कुछ टाइम बाद क्या होगा हमारा ये अच्छे से बना नहीं था, तो ये हमारे कुछ इस तरह से आपस में बढ़ जाते हैं, ऑयल ऑयल हमारा ऊपर आ जाएगा और वाटर वाटर हमारा नीचे आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ ब्रेकिंग बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ क्या हुआ, एक ब्रेक आ गया, यहाँ पर क्या हुआ, टूट गई चीज़ है। तो ये चीज़ हमारी क्या कहलाती है, यहाँ पर ब्रेकिंग। तो ये भी एक अनस्टेबिलिटी चीज़ है, क्योंकि भाई हमको तो इमल्सन चाहिए जो दोनों आपस में मिक्स हों, अब अगर ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, एक अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। अब हमारा यहाँ पर आता है फ्लॉक्यूलेशन। तो फ्लॉक्यूलेशन तो हम पहले ही जानते हैं कि यहाँ पर हमारे क्या होते हैं कि जो पार्टिकल्स के साइज होते हैं, अब एक चीज़ हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, पार्टिकल जैसे ये हैं तो इमल्सन बनाते रहे, पार्टिकल क्या हो जाते हैं छोटे कर लेते हैं अपने साइज को, और छोटा करने की वजह से उनका जो सरफेस एरिया है वो उनका बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ा तो उनका जो सरफेस फ्री एनर्जी है वो बढ़ गई, और एनर्जी बढ़ते ही क्या हो जाते हैं, वो अनस्टेबल हो जाते हैं। अब अपने आप को फिर से स्टेबल करने के लिए वो क्या करते हैं कि जो इनका सरफेस एरिया बढ़ गया था उसको वो छोटा करते हैं, और छोटा करने के चक्कर में क्या करते हैं कि मान लो इसके एरिया थे ये इतना कवर कर रहे हैं, तो इन सब ने क्या किया मिलके, और इसी पार्टिकल को अगर आप इन सबको एक साथ इकट्ठा करेंगे तो लगभग ये हमारे इतने में पार्टिकल बन जाएंगे, तो इस तरह का एक छोटा सा कंपाउंड बन जाता है। तो इन्होंने इतने एरिया को इतने एरिया में कन्वर्ट कर दिया, तो सरफेस एरिया जब कम हो गया तो भाई इनकी एनर्जी भी कम हो जाएगी और ये स्टेबल होने लगते हैं। लेकिन इसके चक्कर में इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि एक फ्लॉक्यूलेट जनरेट कर दिया, और इसी को हम यहाँ पर बोलते हैं फ्लॉक्यूलेशन। और जब मान लो ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल जनरेट हो जाएंगे तो भाई ये भी तो नीचे जल्दी गिरेंगे ना, तो ये भी एक तरह से अनस्टेबिलिटी होती है, यानी कि स्टेबल होने के चक्कर में ये हमारे फिर से अनस्टेबल हो गए। अब हमारा यहाँ पर आता है लास्ट वाला, ये हमारा फिफ्थ है फेस इन्वर्जन। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई हमारा सीन बना रहा है ऑयल इन वाटर, और क्या होगा गलती से उसने पहले वाटर ले लिया और ऑयल की जगह उसने वाटर ले लिया, गम की जगह उसने और चीज़ मिला दी, मतलब कोई उस पर एक ऐसा एरर हो गया ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग बनाते टाइम कि जो हमारा ऑयल इन वाटर हम बना रहे थे वो हमारा वाटर इन ऑयल बन गया, और जो हम वाटर ऑयल इन ऑयल बना रहे थे वो हमारा ऑयल इन वाटर बन गया। यानी कि यहाँ सिंपल हम कह सकते हैं कि जो हम बनाना चाह रहे थे उसका कुछ उल्टा ही बन रहा है, तो ये चीज़ हमारी फेस इन्वर्जन कहलाती है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा एक्चुअल फेस था वो फेस ही बदल गया। तो ये भी एक हमारा रीज़न होता है फेस इन्वर्जन भी, कि मान लो आपको चाहिए ये और एकदम बदल गया, तो ये भी एक तरह से क्या है हमारी अनस्टेबिलिटी है। तो ये हमारी कुछ प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ एक और समझो, एक हमारे आते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज। अब क्या होता है कि हमको एक चीज़ बताया, हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं इन सब प्रॉब्लम के लिए। तो जब इमल्सिफाइंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं तो क्या हो जाता है कि कई बार ये जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स है ये हमारा उस इमल्सन के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देगा, जैसे उसका कलर बदल दिया, पीएच बदल दी, ऑर्डर बदल दिया, टेस्ट बदल दिया। तो ये सब चीज़ें अगर बदल जाएंगे हमारे इमल्सन की तो भाई उसका काम भी बदल जाएगा, तो वो हमारा फिर से क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो यही रीज़न है कि ये चीज़ें भी हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए।
तो ये आपने कुछ तरीके देखे कि ये हमारे कुछ ऐसे तरीके थे जो हमारे इमल्शन को क्या करते हैं, अनस्टेबल कर देते हैं। अब हम यहाँ समझते हैं कि हम उसको स्टेबल कैसे कर सकते हैं। तो अब आती है हमारी इमल्शन की थ्योरी, यानी कि थ्योरीज ऑफ इमल्शन, यानी कि इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने इमल्शन को स्टेबल बनाए रख सकते हैं और कैसे उसका मतलब अच्छे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हमारी तीन थ्योरी आती हैं। पहली हमारी है मोनोमोलिकुलर थ्योरी, दूसरी हमारी आती है मल्टी मोलिकुलर थ्योरी, और तीसरी हमारी यहाँ पर आती है सॉलिड पार्टिकल थ्योरी। चलिए एक एक करके हम तीनों को समझ लेते हैं। तो इसमें हमारी पहली और दूसरी दो जो थ्योरी है हमारी मोनोमोलिकुलर एडजॉर्प्शन थ्योरी और दूसरी हमारी है मल्टी मोलिकुलर एडजॉर्प्शन थ्योरी, ये दोनों थ्योरी हमारी तीन चार बेसिकली प्रॉब्लम के लिए होती है। पहली हमारी इसमें आती है फ्लोकुलेशन, दूसरी हमारी आती है कोएलिसेंस, और तीसरी हमारी यहाँ पर आती है ब्रेकिंग ऑफ इमल्शन। यानी कि इन तीनों ही केस में क्या हो रहा था, अगर एक चीज़ हम देखें तो जो हमारा इमल्शन था वो हमारा स्टेबल नहीं था, ठीक है, अनस्टेबिलिटी थी। और इसका मतलब क्या होता है, जब जो हमारा इमल्शन है अगर वो अनस्टेबल है, इसका मतलब है कि जो हमारा डिस्पर्स फेस है वो एक्चुअल में हमारे डिस्पर्जन मीडियम के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है, इसके चक्कर में ये हमारी सारी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो वाली हमारी चीज़ है मोनोमोलिकुलर, और इन दोनों में हमारा मेन टारगेट क्या होता है कि हम इस डिस्पर्ज फेस को इस डिस्पर्जन मीडियम के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसकी वजह से क्या होगा कि अब ये जो हमारा डिस्पर्जन फेस है ये हमारा पूरे में अच्छे से फैला रहेगा, और जब ये पूरे में अच्छे से यहाँ फैला रहेगा तो हमारा भाई पूरे में जब नीचे ही नहीं गिरेगा, ना इनमें ब्रेकिंग होगी, ना इनमें कोगुलेशन होगी, ना तो ये इकट्ठा होंगे, ना ही इनमें कोई फ्लॉकुलेशन होगी। तो इसके लिए हमारा इसमें मेन टारगेट क्या रहता है कि हम इस डिस्पर्ज फेस को इस डिस्पर्जन मीडियम के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं। सिंपल था फंडा है। अब करते कैसे हैं, सिंपल बात है। तो हम एक चीज़ जानते हैं कि एक हमारा ये ऑयल है, एक हमारा ये वाटर है, और वाटर और ऑयल इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है, ये भी हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम इमल्शन बनाते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या करते हैं कि हम यहाँ पर कोई सा इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करेंगे, या कोई बेटिंग एजेंट यूज़ करेंगे, या हम कोई सर्फेक्टेंट यूज़ करेंगे। अब उनका काम क्या होता है कि मैं आपको एग्जांपल समझा, मान लो हमने सर्फेक्टेंट ले लिया, तो ये हमारा कुछ इस तरह का होगा, यहाँ पर ये इसका होगा हेड और ये इसकी होगी टेल। अब ये जो हमारा हेड है एक्चुअल में ये हमारा क्या है, पोलर नेचर का है, और जो हमारी टेल है ये हमारी क्या एक्चुअल में नॉन पोलर नेचर की है। तो अब अगर आपसे बोलूँ कि पोलर नेचर हमारा क्या होता है, भाई किसी की अगर पोलैरिटी बढ़ जाती है इसका मतलब उसका वाटर नेचर ज़्यादा बढ़ता है, तो अगर हम सिंपल बोल सकते हैं कि जो पोलैरिटी नेचर है वो हमारी वाटर पे डिपेंड है, और जो हमारा नॉन पोलर नेचर है वो हमारा किस पे डिपेंड है, टेल पे डिपेंड है। यानी कि हम सिंपल कह सकते हैं कि ये हमारा एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑयल की भी और वाटर की भी है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसी का यूज़ करते हैं इस इमल्शन में, और इसका यूज़ करके हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो हमने इसको यहाँ पर बीच में डाल दिया, तो अब ये क्या करेगा कि मान लो ये हमारा एक ऑयल है इधर एरिया, ये हमारा क्या है ऑयल है, तो ऑयल के साथ हमारा क्या जुड़ेगा, टेल जुड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी ये इस तरह से टेल जुड़ जाएंगी आपस में। अब इसके बाद इनका जो हेड है, अब ये हेड वाला पार्ट हमारा क्या करेगा, पोलर है तो ये वाटर को जोड़ेगा, तो ये हमारा क्या करेगा, वाटर वाले मॉलिक्यूल्स को अपने साथ जोड़ता रहेगा। तो इस तरह अगर हम देखें तो इस वाले ने जो हमारा ये सर्फेक्टेंट था, इसने ये ऑयल और ये वाटर, इन दोनों को क्या किया, इसने आपस में जोड़ दिया अपने द्वारा, इन्होंने क्या किया, जोड़ दिया, और फिर क्या बन जाएगा, ये आपस में बाउंड हो जाएंगे, और अब ये हमारे पूरे में क्या रहेंगे, अच्छे से डिस्पर्ज रहेंगे। तो ये सिंपल फंडा हमारा इसमें काम करता है, और ये दोनों में ही सेम काम करेगा। अब फर्क क्या है दोनों में, इतना आप जान लो कि जैसे मान लो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पार्टिकल हैं, ये मोनोमोलिकुलर हैं, ये मल्टी मोलिकुलर हैं। मोनो में क्या हो रहा है कि जो हमारे ये सर्फेक्टेंट या इमल्सिफाइंग एजेंट्स है ये हमारा एक सिंगल लेयर यहाँ पे जनरेट कर रहा है, यानी कि जो एक है उसने सिंगल इस तरह से हमारा ये कवर कर लेगा और इसको मतलब प्रोटेक्ट करेगा, इसको मतलब स्टेबल रखेगा, ठीक है। मल्टी मोलिकुलर में क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं इनके पार्टिकल्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स कुछ इस तरह से हमारे पूरे को कवर करते हैं, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये जो हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं इसमें मल्टी पार्टिकल्स हैं, यानी कि एक या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स यूज हुए हैं, यहाँ पर हमारे एक सिंगल पार्टिकल यूज हो रहा है, तो ये हमारा मोनोमोलिकुलर है। तो बस नाम से आपको समझ रहा होगा ये हमारा मोनोमोलिकुलर है, ये हमारा मल्टी मोलिकुलर है, और जो काम कैसे करते हैं ये मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया। और इसके जो नोट्स होंगे, तो अब तो ये हमारी यूनिट कंप्लीट हो गई है, तो इसके जो नोट्स होंगे वो नोट्स आपको जो है वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप वहाँ से जाके इसको इजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा मोनोमोलिकुलर एडजस्टमेंट थ्योरी हो गया, मैंने इजी में आपको समझा दिया, बहुत ज़्यादा ये लेंदी हो जाता है इधर, और ये हमारा मल्टी मोलिकुलर हो गया। अब हमारे यहाँ पर तीसरा एक टर्म और आता है जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं सॉलिड पार्टिकल एडजस्टमेंट थ्योरी। अब लेट करो कि ये हमारा क्या है, एक इमल्शन है,
अब हमने वो प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी कि ये आपस में मिक्स नहीं हो रहे, तो हमने सर्फेक्टेंट या इमल्सिफाइंग या बेटिंग एजेंट्स का यूज किया और उन्होंने क्या किया, उन दोनों को आपस में जोड़ दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम और आती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर सेडिमेंटेशन वाली या फिर ग्रेविटी, हम बोल सकते हैं यानी कि नीचे को ही हमारे पार्टिकल अपने आप खींचते हैं भाई, ग्रेविटी काम अपना करेगी। तो उस चक्कर में क्या होता था कि ये पार्टिकल सारे के सारे हमारे नीचे बैठ जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक अनस्टेबल हो जाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम अगर इस पूरे जो हमारे ये डिस्पर्जन मीडियम है, अगर हम इस डिस्पर्जन मीडियम की विस्कोसिटी को बढ़ा दें, तो भाई सिंपल सा फंडा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर हम सिक्का रखेंगे किसी में तो पानी में बहुत जल्दी नीचे जाएगा, और अगर थोड़ा सा ऑयल में रखेंगे तो धीरे जाएगा, और अगर हम शहद में रख दें तो वो सिक्का हमारा नीचे जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा फर्क आ रहा था ये हमारा किसका आ रहा था, विस्कोसिटी। ये हमारा सबसे पतला पानी तो भाई बहुत जल्दी नीचे, ऑयल थोड़ा गाढ़ा तो धीरे धीरे, और हमारा शहद बहुत ज़्यादा गाढ़ा तो वहाँ पर सिक्का हमारा नीचे आ ही नहीं रहा। तो ये हमारे कुछ टर्म्स होते हैं। तो बस अगर हम क्या करें कि अगर हम इस इमल्सन की विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं ऑटोमेटिक, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इस चीज़ की वजह से जो हमारी क्रैकिंग और जो कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती थी ये हमारी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर कोलोइडल क्ले का यूज़ करते हैं, और ऐसा नहीं है जो मैंने आपको एग्जांपल अभी बताए नहीं उनका मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने सभी एग्जांपल आपके जो नोट्स हैं इसमें मैंने अच्छे से लिख रखे हैं, तो ये नोट्स भी आपको एक बार जरूर जरूर देखनी है। एक हमारी और प्रॉपर्टी इसमें आती है, तो वो हमारी आती है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर वाली। तो इसको मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, जो हमारा सस्पेंशन वाला था उसमें फ़र्क इतना है कि वहाँ वो सस्पेंशन में हो रहा था, यहाँ ये हमारे इमल्सन में होगा। वहाँ वो हमारे जो सस्पेंशन के पार्टिकल थे सॉलिड लिक्विड उनके बीच में हो रहा था, और यहाँ हमारा किस में होगा, ये ऑयल ड्रॉपलेट्स यानी कि दोनों के एप्लेट पे उसके बीच में होगा। इतना सा फ़र्क है, बाकी ये भी आपको पता है काम वगैरह कैसे करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर समझ चुकी हैं। अब हम देखते हैं, देखो हमने क्या क्या देख लिया, इमल्सन क्या होता है कैसे होता है, फिर हमने उसकी स्टेबिलिटी देख ली थी, उसके हमने टाइप्स देख लिए थे, अनस्टेबिलिटी देख ली, और उसको हम स्टेबल कैसे करेंगे, मतलब जो उसकी थ्योरी थी स्टेबल करने के लिए वो हमने देख ली। ठीक है, अब हम समझते हैं कि आखिर हम इमल्सन को बना कैसे सकते हैं, फॉर्मुलेशन वाली चीज़। तो वैसे तो सिलेबस में सिर्फ एक ही मेथड दिया है, वो हमारा HLV मेथड है, लेकिन हम कुछ और भी देखते हैं जो हमारे जनरली काम आते हैं। ठीक है, तो अगर नॉर्मल देखा जाए तो हमारे इमल्सन को बनाने के बेसिकली तीन तरीके होते हैं। पहला हमारा होता है ड्राई गम मेथड, दूसरा हमारे यहाँ पर आता है बेट गम मेथड, और तीसरा हमारे यहाँ पर आता है बोटल मेथड। चलिए एक एक करके तीनों को समझ लेते हैं। ड्राई गम मेथड में क्या होता है कि आप समझो कि आपने एक ये ले लिया, एक पेस्टल और मोटर वाला पूरा आपने सीन यहाँ पर उठा के रख लिया, ये कुछ इस तरह का है। अब पहला हमारा जो होता है वो हमारा है ड्राई गम मेथड, और ये हमारा स्पेशली किसके लिए होता है, वाटर इन ऑयल के लिए होता है। यानी कि यहाँ पर हमको क्या करना है, जो वाटर इन ऑयल वाला टाइप का इमल्सन है वो हम यहाँ पर बनाते हैं इसके द्वारा। ठीक है, अब हम सामग्री समझते हैं हमको क्या क्या चाहिए इसके लिए। तो पहला हमको ऑयल चाहिए, भाई ऑयल इन वाटर बना रहे तो ऑयल चाहिए, और हमको दूसरा क्या चाहिए, यहाँ पर वाटर चाहिए, दो चीज़ें। तीसरी हमको जहाँ चाहिए गम, गम क्या चीज़ हमारी एक्चुअल में, ये हमारी इमल्सिफाइंग एजेंट ही है जिसका हम यूज़ करते थे इमल्सन बनाने में, ये आपको पहले ही पता है। तो ये तीन चीज़ें हमको यहाँ चाहिए होती हैं। ठीक है, अब हम करते क्या हैं, सबसे पहले कि यहाँ पर हम एक पेस्टल मोटर जो हमने ली लेते हैं, उसके बाद जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट है उसको हम उसमें डालते हैं, उसके बाद हम उसको ऐसे ट्रिट्रेट करते हैं। ट्रिट्रेट करना आप जानते हैं ना, जैसे मान लो ये है तो इसके साथ ये आपने पेस्टल लगी, तो उसको ऐसे ऐसे हल्का सा आप उसको रब करते रहेंगे, दबाते रहेंगे, थोड़ा सा फोर्स भी लगाते रहेंगे, जिससे वो थोड़ा सा पतला होता रहेगा। ठीक है, तो ये काम आपको कंटिन्यूस करना है जब तक आपका टोटल इमल्सन ना बन जाएगा, इसको आपको याद रखना है। तो आप क्या करेंगे, उसमें जो इमल्सिफाइंग एजेंट है आपका, जो एक बात और याद रखें, जो हमारा ड्राई गम मेथड है, ड्राई फिर सूखा, तो यहाँ पर आप जो यूज़ करेंगे वो आप जो इमल्सिफाइंग एजेंट देंगे वो आपका पाउडर फॉर्म में होगा, ये बात आपको याद रखनी है। फिर आप उसमें जो इमल्सिफाइंग एजेंट डालेंगे उसको आप ट्रीट करते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे करते रहेंगे। उसके बाद अब बारी आती है हमारी यहाँ थोड़ा सा ऑयल डालने के लिए। अब यहाँ पर ऑयल हमने पहले क्यों लिया, तो इसका आप यहाँ समझो कि जो हमारा ड्राई गम मेथड है ये हमारा वाटर इन ऑयल के लिए है, तो जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम वो हमारा क्या है, ऑयल है, यानी कि ऑयल हमारा मेन फेस रहेगा यहाँ पर, जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है वो। तो यहाँ हम पहले ऑयल लेंगे, यानी कि जहाँ पर बाद में ऑयल आ रहा है वहाँ पे हम यहाँ पहले ऑयल लेंगे। आप इस तरह यहाँ पर इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ऑयल लिया, उसको हम ट्रीट कर रहे हैं साथ में, मतलब ऐसे करके हम उसको थोड़ा सा घिसते जा रहे हैं। फिर हम उसमें थोड़ा सा और ऑयल लेंगे और उसको कुछ इस तरह मिला लेंगे। फिर एक हमारा पूरा का पूरा काढ़ा सा ऐसे तैयार हो जाएगा। तब तक आप इसमें थोड़े से क्लिकिंग साइड, यानी कि आप जब उसको करेंगे ना, आपको जब करेंगे तो आपको फील हो जाएगा कि हाँ अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप बारी आती है अब इसमें तीसरा चीज़ मिलाने की। तो अब आप इसमें मिलाएंगे पानी को थोड़ा सा। अब पानी को आप मिलाएंगे तो पानी जैसे ऊपर से थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इस पेस्टल को थोड़ा घुमाते जाएंगे, डालते जाएंगे इसको थोड़ा घुमाते जाएंगे। तो इस तरह आप करते करते क्या हो जाएगा कि आपका जितना पानी है वो भी इसमें मिक्स हो जाएगा। अब आप उसमें बचा हुआ जो फेस है, यानी कि ये हमारा वाटर इन ऑयल है, तो भाई ऑयल हमारा ज़्यादा पड़ेगा, तो हम इसमें फिर बाद में ऑयल ऑयल डाल के और जितना हमको
बनाना था आधा लीटर, मतलब जितना 100 ग्राम 50 जितना हमको बनाना था उतना हम फाइनलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल कुछ इस तरह हमारा इमल्सन बनता है। अब इसका रेशियो देखें तो ऑयल हमको यहाँ पर 4 पार्ट लेने, क्योंकि भाई इसमें क्या है हमारा ऑयल हमको 4 ही पार्ट लेने हैं। दूसरा हमारा यहाँ पर क्या है, वाटर 2, और ये हमारा जो ये वाला चीज़ हमारी होगी इमल्सिफाइंग एजेंट जो हमारे होंगे वो हमको 1 लेना है। इसका आप कुछ एग्जाम्पल ऐसे समझो, मान लो हम जो स्टार्टिंग बना रहे थे उसमें हमने पानी ले लिया, अगर हम यहाँ पर 4:1:2, इसका मतलब ये समझो कि अगर हम ये 4 ग्राम ले रहे हैं तो ये हम इसके मुकाबले 1 ग्राम लेंगे और ये हम क्या लेंगे 2 ग्राम लेंगे। यानी कि 4 ग्राम तेल लेंगे तब हम 2 ग्राम सिर्फ पानी लेंगे और इसमें 1 ग्राम हम क्या डालेंगे अपना वो डालेंगे। तो इस तरह ये हमारा सिंपल रेशियो होता है यहाँ पर। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। दूसरा हमारे यहाँ पर आता है बेट गम मेथड, तो वो हमारा ड्राई गम था, यानी कि वहाँ पर हमने सूखा लिया, ये हमारा बेट गम है। तो इसमें एटमोस्ट सारा कुछ सेम है, दो चीज़ें बदल रही हैं इसमें। पहला हमारा ये है कि ये हमारा वाटर इन ऑयल के लिए था और ये हमारा क्या है ऑयल इन वाटर के लिए, यानी कि यहाँ पर जो मेन चीज़ हमारी क्या है बाद की वाटर है और जो डिस्पर्स फेस है वो हमारा क्या होगा ऑयल होगा। दूसरी इसमें क्या बदल रही है कि यहाँ पर जो हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स अपना यूज़ कर रहे थे वो हमारे यहाँ पर पाउडर फॉर्म में था, इसीलिए यहाँ पर ड्राई फॉर पाउडर फॉर्म, सूखा पाउडर सूखा होता है, मेथड ड्राई है। ये हमारा वेट है, वेट से मतलब होता है हमारा गीला, तो यहाँ पर लिक्विड हमारा क्या होता है गीला होता है। तो यहाँ जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट्स है वो हम लिक्विड फॉर्म में यूज़ करेंगे। बाकी सारे काम आपको ऐसे सेम करने हैं, बस यहाँ पर मैंने जो बताया जैसे यहाँ अगर हमारा बाद में ऑयल आ रहा है तो यहाँ पहले क्या लेंगे, यहाँ पर यहाँ बाद में ऑयल आ रहा है तो यहाँ पहले आप क्या लेंगे ऑयल लेंगे। यहाँ हमारा बाद में वाटर आ रहा है तो यहाँ पर आप पहले क्या लेंगे, यहाँ पर वाटर लेंगे कि पहले आप थोड़ा सा पानी यूज़ करिए और पानी को आप इमल्सिफाइंग एजेंट्स के साथ मिला के थोड़ा ट्रीट करिए, फिर उसके बाद आप करते रहेंगे थोड़ा तो आपका एक म्यूक्लेज की तरह फॉर्म हो जाएगी चीज़, फिर आप उसको स्लोली स्लोली और ट्रीट करिए, उसके बाद उसमें आप थोड़ा सा ऑयल डालिए, ऑयल मिलाइए, उसके बाद फाइनल जो आपका बल्क फेस है यानी कि जो एक्चुअल में आपकी चीज़ बड़ी होनी है उसका आप उसमें फेस मिलाओ और आपका काम तैयार हो जाएगा। तो इस तरह आप दोनों को यहाँ पर बना सकते हो। तीसरा हमारा बोतल मेथड है, तो बोतल मेथड आप सिंपल ये समझो कि आपने एक बोतल ले ली यहाँ पर सिंपल और उसके अंदर आपने दोनों चीज़ें भर दी और आप ऐसे मिक्स कर रहे हो दोनों आपस में मिल गई। अब ये काम हम हाथ से कर सकते हैं छोटे स्केल पे, लेकिन जो बड़े बड़े जैसे कंपनियों में ज़्यादा ज़्यादा इमल्सन बनाते हैं उसके लिए कुछ इस तरह की हमारी बोतल होती हैं, बीच में हमारे प्रोपेलर होते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें भर दी जाती हैं और ये हमारा प्रोपेलर इस तरह हमारा घूमता रहता है और हमारी चीज़ें जो है मिक्स होती रहती हैं। तो बस ये हमारे सिंपल क्या थे 3 मेथड थे। अब हमारा एक इसमें एक और टॉपिक आता है, वो हमारा क्या आता है फॉर्मुलेशन बाई HLV मेथड। तो HLV मेथड बेसिकली फॉर्मुलेशन के लिए हमारे ये 3 ही मेथड हैं। जो हमारा HLV मेथड है वो हमारा किस में काम आता है कि जो हम ये इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज़ कर रहे थे ना ये हम कौन सा चुने, ये चीज़ हमको चुनने में मदद करता है HLV स्केल करता है। एक मिनट इसकी बात जाने, तो HLV मतलब होता है हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस होता है, और इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हमारा कुछ आपको ये दिख रहा होगा मैंने यहाँ पूरा बना दिया है, वैसे हमको सिर्फ इसकी ज़रूरत है, एक हमें इसकी ज़रूरत है और एक हमें इसकी ज़रूरत है, यानी कि ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट्स और एक वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग, दो चीज़ों की हमको जहाँ ज़रूरत है। तो ये हमारा पूरा HLV स्केल है और यहाँ पर हमारा 8 से 16 तक जो हमारे चीज़ आते हैं वो हमारे आते हैं ऑयल इन वाटर वाले, यानी कि जो कोई भी हमारा सर्फेक्टेंट, यहाँ पर सर्फेक्टेंट ले लो इमल्सिफाइंग एजेंट ले लो, जिसका नंबर 8 से 16 के बीच आ रहा है HLV स्केल में वो हमारा ऑयल इन वाटर वाले इमल्सन के लिए यूज़ किया जाएगा। और ऐसा कोई सर्फेक्टेंट या इमल्सिफाइंग एजेंट जिसका नंबर यहाँ पर 3 और 6 के बीच में आ रहा है उसको जब हम अपना वाटर इन ऑयल वाला इमल्सन बनाएंगे तो उसके अंदर हम उसका यूज़ करेंगे। तो इन्हीं नंबर के बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करेंगे और कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं यूज़ करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा ये HLV स्केल क्यों इंपॉर्टेंट है क्यों नहीं इंपॉर्टेंट, ये चीज़ इसमें यहाँ पे आपको बताई गई है। बाकी इसके ऊपर इन डेप्थ वीडियो हम जो है 3rd सेम में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अब हमने इमल्सन बना लिया है, अब हमारी बारी आती है कि उस इमल्सन को हम बचाएंगे कैसे, क्योंकि बचाने का काम होता है कि ऐसा हमको पता कोई भी चीज़ अगर हम रखते हैं तो वो धीरे धीरे हमारी डिफेक्ट हो जाती है और जो हमारी चीज़ें क्या क्या उसको नुकसान पहुंचाती हैं, कुछ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो चीज़ें जैसे बैक्टीरिया वायरस फंजस जितने हमारे माइक्रोब्स होते हैं सारे के सारे, और कुछ हमारे ऑक्सीडेशन हो जाती है, कई बार ऑटो ऑक्सीडेशन आपने सुने होंगे ना, ऑक्सीडेशन हो गई वो चीज़ हमारी ख़राब हो गई, जैसे रेंसिडिटी हो गई, आपका जो खाना ख़राब होता है, ये सब चीज़ें हमारी इसी की वजह से तो होती हैं, खाना रखा रहेगा 2-3 बार ख़राब हो जाएगा, तो भाई ये भी तो हमारा ऑयल वगैरह ये चीज़ भी तो हमारी खाने की चीज़ है ना, तो ये भी तो खराब हो सकती है। तो इन सबको हमें मतलब बचाना होता है, इसको हमें प्रिजर्व करके रखना होता है कि ये हमारा जब तक मान लो कोई हमारा इमल्सन है उसकी जो एक्सपायरी डेट रखी गई है कम से कम तब तक तो हमारा वो इमल्सन ठीक रहे और अगर कोई उस दवा का यूज़ करता है तो उसको कोई भी इसमें नुकसान ना मिले। तो बस यही हमारा इसमें होता है प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्सन में कि यहाँ पर हम उस कंपाउंड को बचा के रखते हैं उसकी एक्सपायरी डेट तक।
कांच किससे हमको बचाना पड़ता है? पहला हमारा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हमारे बैक्टीरिया माइक्रोब्स होते हैं वो। दूसरे हमारे यहाँ पर होते हैं ऑक्सीडेशन, यानी कि अब हमको उसके ऑक्सीडेशन दो चीज़ों से बचा के रखना है। ठीक है, पहला हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रिजर्वेशन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम एक बार जानते हैं कि माइक्रोब्स हमारे क्या करते हैं, हमारे इमल्सन में क्यों आ जाते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। एक तो हमारे इमल्सन में कार्बन कंटेंट है, दूसरा हमारे इमल्सन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, हाई वाटर कंटेंट। और पानी में तो आपको पता है कि भाई कितने बैक्टीरिया वायरस आते हैं, तो बस यही रीज़न है कि ज़्यादा पानी होने की वजह से हमारे माइक्रोब्स है वो हमारे इमल्सन में आ सकते हैं और इसको ख़राब कर सकते हैं। तो उसको बचाव के लिए हम क्या करते हैं कि जब हम अपना इमल्सन बनाते हैं तो हम उसमें हम कुछ प्रिजर्वेटिव यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारा मिथाइल पैराबेन हो गया, प्रोपाइल पैराबेन हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, और भी कई ज़्यादा हैं। मैंने बस दो तीन नाम इसलिए लिए हैं जिससे आप ये नाम अच्छे से याद कर लो, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन और बेंजोइक एसिड, तीन ही बस आप याद रखना है इसको। ठीक है, ये आप तीन इनका यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे क्या करेंगे उस बैक्टीरिया या फिर जो हमारे माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ को रोक देंगे, सिंपल सी बात है। अब एक टर्म और आता है कि जो हमारा ये हम यूज़ करेंगे प्रिजर्वेटिव वो हमारा कैसा होना चाहिए। तो ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी कोई भी काम नया शुरू करते हैं तो उसमें हमेशा ये देखना है कि जो आपका पहला काम है वो आपका बंद ना हो जाए, यानी कि कोई काम से आपको नुकसान ना हो, फ़ायदा बाद की चीज़ होती है, पहले आपको उससे नुकसान ना हो। तो वही है कि जो हमारा प्रिजर्वेटिव होना चाहिए वो हमारा नॉन इरिटेंट हो, यानी कि इससे हमें जो इमल्सन में कोई इरिटेंट क्रिएट ना हो जिससे पेशेंट को दिक्कत ना हो। दूसरा नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, पता चले वही प्रिजर्वेटिव ही नुकसानदायक निकला, वही जहरीला निकला, इमल्सन बचाने के लिए था उसकी वजह से बस पेशेंट को नुकसान हो गया। वो टेस्टलेस होना चाहिए, कलरलेस और ऑर्डरलेस। इसके पीछे रीज़न क्या है कि अगर इनमें से कोई भी चीज़ होगी तो वो भाई जो हमारा इमल्सन है उसके साथ वो रिएक्ट कर सकता है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए हमारा ये क्या होना चाहिए, तीनों के तीनों लेस होना चाहिए, यानी कि इसमें ना टेस्ट हो, ना ऑर्डर हो, ना कलर हो, तो वो हमारा क्या करेगा, अब नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ आइडियल प्रॉपर्टी अगर हम देखें प्रिजर्वेशन की, तो जैसे क्या होना चाहिए कि जो प्रिजर्वेशन है वो हमारे इमल्सन का ना तो नेचर बदले ना प्रॉपर्टी बदले, यानी कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो जब आएगा हमारे इमल्सन में तो इमल्सन को कोई नुकसान ना पहुंचाए। दूसरा क्या है कि वो ऑयल एंड वाटर किसी के साथ कोई रिएक्शन ना करे, और वो स्टेबल होना चाहिए, खुद भी स्टेबल हो और हमारे इमल्सन को भी स्टेबल रखे। ये हमारे दो बेसिक फंडे होते हैं यहाँ पर प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। दूसरा हमारे यहाँ पर आता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है कि हमारे ऑक्सीजन में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो भाई क्या होता है कि इमल्सन वगैरह में उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और उसके बाद ऑक्सीडेशन हो जाएगी और उसकी वजह से हमारे क्या होगा, रेंसिडिटी हो गई, स्पॉयलेज। रेंसिडिटी खाना का बासी होना, इसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। स्पॉयलेज कोई चीज़ खराब हो रही है। तो ये हमारी दो चीज़ें हैं, ये हो सकती हैं। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं इमल्सन में। अब वो एंटी ऑक्सीडेंट क्या करते हैं कि मान लो कभी कोई खतरा आया तो वो एंटीऑक्सीडेंट खुद आ जाएंगे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और उस जो हमारे इमल्सन है उसको बचा देती है। ये इनका सिंपल फंडा होता है। एग्जांपल के लिए मतलब ये हमारे कैसे होने चाहिए, तो ये भी हमारे नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, नॉन इरिटेंट होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए, कम कंसंट्रेशन पर भी मतलब ज्यादा असर दिखाएं। एग्जाम्पल अगर हम इसके देखें तो हमारे BHT हो गया, यानी कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन हो गया, एक हमारा इथाइल और प्रोपाइल गैलेट हो गया, एक हमारा BHT है, BHA भी आता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एसीटोन ये हमारा आता है, एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लेना BHA को। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टर्म्स थे, ये हमारे क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन में काम आते हैं। अब हमारा इसका एक लास्ट टॉपिक हमारा रह गया, वो हमारा क्या है, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सन। मतलब यहाँ पर सिंपल क्या है कि जो हमारा इमल्सन बन गया उसकी ये जो हमारी फ्लो होने की प्रॉपर्टीज़ है वो हमारी क्या होती हैं, कैसे होती हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये चीज़ हमारी काम किस में आती है। तो पहला हमारा यहाँ पर आता है स्प्रेडिबिलिटी। अब स्प्रेडिबिलिटी मतलब क्या है कि हम जानते हैं इमल्सन में मोस्ट ऑफ द चीज़ ऐसी होती है जो हम अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो अगर वो ऐसी चीज़ होगी वो स्प्रेड ही ना हो, मान लो आपने स्क्रीन है यहाँ पर आपने अपनी स्किन पर लगाया, अब वो यहीं के यहीं रखी है, आप इसको मिला रहे हैं ज़्यादा ऐसे जा रही है, तो कोई फ़ायदा थोड़ी है, क्योंकि हमको तो ऐसा चाहिए कम से कम हाथ पे लगाएं तो कम से कम इतने एरिए पे हम उसको स्प्रेड कर सकें अच्छे से और वो लग जाए। तो इसलिए हमको पहला टर्म क्या चाहिए उसकी फ्लो में, कि वो स्प्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि वो स्किन पर अच्छे से काम करें। दूसरा हमारा रिमूवल फ्रॉम कंटेनर। अब उसको भाई किसी में तो पैक करके रखेंगे, आपने मान लो कोई लोशन वगैरह कहीं पैक करके रखा, अब वो आपकी बोतल से ही नहीं निकले तो कोई फ़ायदा होगा, तो ये भी होना चाहिए कि भाई वो हमारा बोतल कंटेनर वगैरह जिसमें हम उसको भरते हैं उससे वो बाहर निकलनी चाहिए। तीसरी हमारी है फ्लो ऑफ इमल्सन थ्रो हाइपोडर्मिक नीडल। अब ये है कि कई बार क्या होता है, कुछ हमारे ऐसे इमल्सन्स होते हैं जिसको हमें इंजेक्शन के थ्रू देना पड़ता है, तो उस कंडीशन में हमारे वो इमल्सन ऐसे होने चाहिए कि हमारे वो उस इंजेक्शन की जो हमारी नीडल है उससे वो बाहर निकल सकें। कुछ कुछ ऐसे होते हैं बिल्कुल जाम ही हो जाते हैं, कुछ हमारे निकलते भी नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे आइडियल प्रॉपर्टी यानी कि अच्छे तभी होंगे जब वो हमारे इंजेक्शन से निकलेंगे और किसी और के शरीर में जाएंगे।
उसके बाद तीसरा हमारा जब वो थोड़ा सा अगर उसकी प्रॉपर्टीज अच्छी होगी तो वो मिक्सिंग करने में भी हेल्प करेगी। तो ये कुछ हमारी बातें थी इसकी। अब ये हमारा बेसिकली दो तरह से हो रहा है, पहला हमारा न्यूटोनियन है, दूसरा हमारा नॉन न्यूटोनियन, क्योंकि हमारा रियोलॉजी तो आ गया, बस रियोलॉजी हमें इमल्सन के बेस में बढ़ना है यहाँ पर। तो नॉन न्यूटोनियन का हमारा सिंपल फंडा था कि ये हमारे न्यूटन लॉ को फॉलो करते हैं, यानी कि सिंपल अगर बोलें तो अगर हम किसी का फोर्स बढ़ा रहे हैं तो भाई उसका फ्लो भी बढ़ेगा, ये हमारा न्यूटन लॉ था। तो इस चीज़ को फॉलो कौन करता है, हमारे जो माइक्रो इमल्सन थे यानी कि जो डाइल्यूट वाले, यानी कि जहाँ पर हमारा जो लिक्विड वाला कंटेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है भाई, आपके सामने यहाँ सॉलिड का कुछ चीज़ रखी है, यहाँ आपको पानी रखा है, दोनों चीज़ अगर फैलाई जाए तो भाई सॉलिड तो यहीं रह जाएगा लेकिन जो लिक्विड है वो हमारा बहता हुआ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड की हमारी फ्लो प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। तो अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ हमारी डाइल्यूट है ज़्यादा, डाइल्यूट इमल्सन जो हमारे होंगे वो उनकी ऑब्वियसली बात है वो न्यूटोनियन फ्लूड को फॉलो करेंगे, यानी कि जितना उनको फोर्स मिलेगा वो उतने ज़्यादा क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। दूसरा हमारा आता है नॉन न्यूटोनियन वाले, तो यहाँ पर ये हमारे जो कंसनट्रेटेड इमल्सन होते हैं यानी कि इसमें जो दवाई की मात्रा होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है और पानी की मात्रा थोड़ी कम होती है। तो जो हमारे ऐसे इमल्सन होते हैं ये हमारे नॉन न्यूटोनियन फ्लो को करते हैं, यानी कि इस नॉन न्यूटोनियन का हमारा सिंपल क्या था, स्टार्टिंग में तो बहुत ही स्लो स्लो होते हैं लेकिन बाद में फिर वो हमारे नॉर्मल हो जाते हैं, यानी कि मान लो ऐसे हमारा ये यील्ड वैल्यू तक पहुँचे फिर ये हमारे नॉर्मल न्यूटोनियन फ्लो को फॉलो करने लगते हैं। तो ये हमारे नॉन न्यूटोनियन वाले होते हैं। तो इस तरह हमारे जो कंसनट्रेटेड इमल्सन होते हैं वो इसको फॉलो करते हैं। अब हम कुछ और डिजायरेबल अगर चीज़ देखें तो हमारी मेन होती है विस्कोसिटी। अब विस्को ऑप्टिमम विस्कोसिटी हमारी क्या होती है, किसी भी इमल्सन की स्टेबिलिटी के हमारे क्या आती है, काम आती है। तो ये कुछ हमारे पैरामीटर्स होते हैं, ये हमारे आप समझ लो ये हमारे काम आते हैं हमारे इमल्सन बनाने में, सारा कुछ करने में। और यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, हम रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं भाई, डिस्पर्स फेस हमारा उसकी कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ा दें तो हमारी प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, पार्टिकल साइज बढ़ा दें हम और विस्कोसिटी बढ़ा दें, ये सब मतलब कुछ टर्म्स हैं नॉर्मल, वही सारी चीज़ें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो बस ये हमारी जो है यूनिट कम्प्लीट हो चुकी है। तो अब बात करें नोट्स की, तो इसके जो नोट्स हैं वो आप मतलब वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो मैंने नोट्स बनाए वो तो मैंने सिलेबस वाइज बनाए हैं, लेकिन जो मैंने आपको पढ़ाया वो मैंने उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया कि आपको पहले क्या चीज़ पता होनी चाहिए जिससे आपको वो आगे की चीज़ मतलब को रिलेट कर सके। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर आपको बीच में कोई भी तकलीफ, कुछ भी डाउट्स वगैरह कुछ भी होता है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, तो हम ट्राई करेंगे उसका आपका रिप्लाई करने के लिए, ठीक है। बाकी इसको दोस्तों के साथ शेयर करो जिससे उन्हें भी इस चीज़ का प्रॉफिट मिल सके। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं से बहुत जल्द, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, टेक केयर, एंड आपसे लोग अपना और अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।